अब दमहों में नहीं होगी सांसों की कमी। मिशन अस्पताल ऑक्सीजन जनरेट प्लांट स्थापित। दमहों में जिसका था बेसब्री से इंतजार, वे ऑक्सीजन जनरेट प्लांट मिशन अस्पताल में लग गया है। आधारशिला संस्थान के डायरेक्टर समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल के प्रयासों से जिले वासियों को ये बड़ी सौगात मिली है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाला ऑक्सीजन जनरेट प्लांट से अब दमोह वासी राहत की सांस ले सकेंगे और शहर में किसी को ऑक्सीजन की कमी का एहसास नहीं होगा। मिशन अस्पताल संस्थान के डायरेक्टर अजय लाल का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस ऑक्सीजन जनरेट प्लांट को लगाया गया है। ये प्लांट का मकसद व्यापार नहीं बल्कि में लोगों की जान बचाना है, जो दमोह की जनता को समर्पित है। मैं बहुत खुश हूं कि ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट दमोह में आ गया है। ये पहला ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है जो स्वयं में ऑक्सीजन जनरेट करता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। पिछले दिनों में हम सबों ने, हमारे शहर ने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होती है, कितने लोगों की जानें चली गई क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और इसके लिए हमने प्रतिबद्धता जाहिर की कि हम इसको एक आंदोलन का रूप देंगे। और अब हमारे पास 92 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं ईश्वर की दया से, और ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए का प्लांट जो कि ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है आज यहाँ पर दमोह में आ गया है। इसके विषय में कहा गया था कि ये योजना निरस्त हो चुकी है, बहुत कुछ नकारात्मक बातें कही गई थी क्योंकि देर से आया। ये हमसे कहा गया था कंपनी ने 2 सप्ताह लगेंगे, परंतु लगभग 2 माह लग गए। पर हम फिर भी धन्यवाद देते हैं कि अगर अगली लहर आती है, हम नहीं चाहते कि अगली लहर आए, पर अगर अगली लहर आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। दमोह के निवासियों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, गरीब जनता के लिए, बच्चों के लिए, सबों के लिए यह प्लांट समर्पित है और इससे हर एक को लाभ मिलेगा। और मिशन अस्पताल में यहाँ पर ये सारी सुविधाएं होंगी। इसमें कोई भी व्यापारिक दृष्टिकोण से हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई से मानवता की सेवा, और ये जानते हुए कि हम मानवता की सेवा के जरिए अपने ईश्वर की, परम पिता परमेश्वर की, जिसने हमें जीवन दिया, हम उसकी सेवा कर रहे हैं और उसकी दृष्टि में जो प्रमुख है वो कर रहे हैं, क्योंकि जिसने जीवन दिया हमें जीवन बचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। इस प्लांट को लेकर न सिर्फ मिशन अस्पताल कैंपस बल्कि पूरे शहर में जश्न का माहौल है। कोरोना की दूसरी लहर का जो अनुभव था वो बहुत ही कड़वा था। कई लोगों ने अपने अपने प्रियजनों को खोया है और हमें पता है कि ऑक्सीजन की कमी किस तरह से चारों ओर त्राही त्राही मचा रही थी। ऐसे में मिशन अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय लाल ने एक ग्राउंड लेवल का डिसीजन लेते हुए एक ऑक्सीजन प्लांट मिशन अस्पताल में लगाने का प्लान किया और आज की डेट में ऑक्सीजन का प्लांट मिशन अस्पताल में स्थापित हो चुका है। बहुत ही खुशी की बात है, सारे दमोह वासियों के लिए खुशी की बात है और हमें इससे एक संबल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा कि यदि तीसरी लहर, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, यदि आती भी है तो कम से कम हमें ऑक्सीजन की त्राही त्राही ना झेलना पड़ेगी। और मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल का काम करते हैं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, कोरोना की विश्वव्यापी जो एक लहर आई थी, दूसरी लहर, उससे पूरी मानवता को हलाकान हमने होते देखा। ऑक्सीजन और बेड्स की समस्या जितनी हमने देखी वो शायद अकल्पनीय थी। और ऐसी स्थिति में दमोह में मिशन अस्पताल में डॉक्टर अजय लाल साहब ने जो ऑक्सीजन प्लांट बुलाकर लगवा दिया है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आने वाले डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो तीसरी लहर की बात विशेषज्ञ कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। दमोह में मैं उनके इस प्रयास को केवल एक भागीरथी और देवतुल्य प्रयास मानकर चल रहा हूं कि अगर भगवान ना करे वो तीसरी लहर आए तो हम तैयार हैं। दमोह वासी इस ऑक्सीजन प्लांट से लाभान्वित होंगे। उनका ये कृत्य न केवल उनके लिए बल्कि उनके पूर्वज और उनके पुरखे और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी, दमोह की जनता इसके लिए बहुत दुआएं देगी। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। समाज के हर वर्ग ने ऑक्सीजन प्लांट लगने पर खुशी जाहिर की है। कुल मिलाकर कोरोना काल में जहां ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही मची थी, अब वैसे हालात नहीं होंगे। डॉक्टर लाल की इस पहल से दमोह के बाशिंदे भी राहत की सांस ले सकेंगे। आखिरकार दमों की तारीख में वो पल भी आ गया जिसका सबको था इंतज़ार। जी हाँ, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट
जिसका काफ़ी समय से दमोह जिले में इंतज़ार हो रहा था, आज उस इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुईं और दमोह के मिशन अस्पताल में ये ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुका है। अब जाहिर सी बात है कि दमोह जिले के लोग इस कोरोना काल में भी अब राहत की सांस ले सकेंगे। इम्तियाज़ चिश्ती, पंजाब केसरी, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।